पूरी दुनिया की नज़रें कोरोना की सुर्खियों पर टिकी है, लेकिन इसी बीच एक खबर ने सबका ध्यान नॉर्थ कोरिया की तरफ खींच लिया। और वह खबर थी कि नॉर्थ कोरिया के सुप्रीम लीडर किम जोंग उन की हालत गंभीर है। जी हाँ, बात बात पर दूसरों को मौत दे देने वाला नॉर्थ कोरिया का सनकी तानाशाह किम जोंग खुद मौत से लड़ाई लड़ रहा है। अमेरिकी मीडिया की रिपोर्ट्स में दावा किया गया है कि सर्जरी के बाद किम जोंग की हालत बिगड़ गई। जानकारी के मुताबिक किम के ब्रेन डेड होने की खबरें भी आ रही है। CNN ने व्हाइट हाउस के किसी अधिकारी के हवाले से अपनी एक रिपोर्ट में दावा किया है कि किम जोंग उनकी हालत काफी गंभीर है। उन्होंने एक सर्जरी करवाई थी जिसके बाद हालत लगातार बिगड़ती गई। पिछले कई महीनों से किम जोंग की तबीयत खराब चल रही थी। उन्हें ना केवल मोटापे की बीमारी है बल्कि वो धूम्रपान भी बहुत ज़्यादा करते रहे हैं। वहीं साउथ कोरिया के एकीकरण मंत्रालय और राष्ट्रीय खुफिया एजेंसी के अधिकारियों ने कहा है कि वे रिपोर्ट की तुरंत पुष्टि नहीं कर सकते। आपको बता दें कि किम जोंग को काफ़ी लंबे अरसे से नहीं देखा गया है। उनकी तबीयत को लेकर कई तरह की खबरें बीच बीच में आती रहीं, लेकिन बीते दिनों जब 15 अप्रैल को किम जोंग के दादा किम सुंग द्वितीय की सालगिरह के मौके पर वो नदारद रहे, तो उसके बाद उनके स्वास्थ्य को लेकर चिंताएं जताई जाने लगी। वैसे आपको बता दें कि किम जोंग पूरी दुनिया में एक तानाशाह राजनेता के तौर पर जाने जाते हैं। टीम खबर अपडेट। क्या किम जोंग की मौत हो चुकी है? क्या सर्जरी के बाद तबीयत नहीं सुधरी थी? क्या उनकी बहन अब लेगी उनकी जगह? पूरी दुनिया कोरोना के संकट से जूझ रही है, लेकिन सबकी जुबान पर एक ही सवाल है, वो ये कि क्या किम जोंग उनकी मौत हो चुकी है। हालांकि सबसे पहले लेटेस्ट अपडेट यही था कि CNN ने व्हाइट हाउस के किसी अधिकारी के हवाले से एक रिपोर्ट में ये दावा किया था कि किम जोंग उनकी 12 अप्रैल को कार्डियोवैस्कुलर सर्जरी हुई थी। इस सर्जरी के बाद उनकी हालत लगातार बिगड़ती गई। उन्हें ना केवल मोटापे की बीमारी है बल्कि वो धूम्रपान भी बहुत ज्यादा करते रहे हैं। आपको बता दें कि इस सर्जरी के बाद किम जोंग उन दुनिया के सामने ही नहीं आए। हाँ, उनकी तबीयत को लेकर जरूर कई खबरें आती रही। लोगों का शक तब और बढ़ गया जब किम जोंग अपने दादा की सालगिरह पर भी नहीं आए। बस इस मौके के बाद उनकी तबीयत को लेकर कयासों का दौर शुरू हो गया और आज तो उनकी मौत की खबरें भी आ रही है। कोई नहीं जानता कि इन खबरों में कितनी सच्चाई है, लेकिन ये अफवाह जरूर हो सकती है, जिसकी पुष्टि की है दक्षिणी कोरिया के राष्ट्रपति मून जे ने। उन्होंने कहा कि अभी तक ऐसा कोई सबूत नहीं मिला जिससे पता लग सके कि किम की मौत हो चुकी है या उनकी जान खतरे में है। उत्तर कोरिया में ऐसी कोई हलचल नहीं दिख रही जो किसी आपात स्थिति की ओर इशारा करती हो। कुल मिलाकर किम जोंग की मौत की ये खबरें अफवाह के तौर पर उड़ रही है, जिन पर फिलहाल भरोसा करने से बचना बेजा जरूरी है। टीम खबर अपडेट। नॉर्थ कोरिया के तानाशाह किम जोंग जिंदगी और मौत की लड़ाई लड़ रहे हैं। दावा किया जा रहा है कि किम जोंग का ब्रेन डेड हो चुका है और उनकी हालत बेहद गंभीर है। इसी बीच अटकलें तेज हो गई हैं कि उनकी जगह कौन उत्तर कोरिया की कमान संभालेगा। नॉर्थ कोरिया में एक नाम जो सबसे ज़्यादा चर्चा में है वो है किम जोंग की छोटी बहन किम यो जोंग। किम यो जोंग तानाशाह किम जोंग से भी ज़्यादा खतरनाक मानी जाती है। आइए आज हम आपको उनसे जुड़ी ऐसी 5 बातें बताने जा रहे हैं जो बेहद कम लोग जानते हैं। पहली, किम जोंग की सलाहकार। किम यो जोंग अपने भाई किम जोंग की करीबी सलाहकार रही हैं। उनकी सलाह के बाद ही किम जोंग बड़े बड़े फैसले लेते हैं। दूसरी, ओलंपिक खेलों में नेतृत्व। किम यो जोंग ने साल 2018 में विंटर ओलंपिक खेलों में अपने भाई की जगह देश का नेतृत्व करने का काम किया था। इसके बाद उनकी सत्तारूढ़ पार्टियों में हैसियत और ज़्यादा बढ़ गई थी। तीसरी, साउथ कोरिया से नफरत। दरअसल उत्तर कोरिया ने लाइव फायर मिलिट्री अभ्यास किया था जिसका दक्षिण कोरिया ने बेहद विरोध किया था,
जिसके बाद किम यो जोंग ने दक्षिण कोरिया के लिए कहा था कि डरे हुए कुत्ते भौंकने लगे हैं। उनका ये बयान जाहिर करता है कि उन्हें साउथ कोरिया से कितनी नफरत है। चौथी, राजद्रोह के आरोप में चाचा को फांसी। आपको बता दें कि किम ने राजद्रोह के आरोप में अपने ही चाचा को फांसी पर लटकवा दिया था। पांचवी, किम जोंग वाला ही तानाशाही मिजाज। तानाशाह किम की बहन किम यो जोंग में भी तानाशाही कूट कूट कर भरी है। वो भी अपने भाई के नक्शे कदम पर ही चल रही है। कुल मिलाकर किम यो जोंग की काफ़ी बातें उनके भाई से मेल खाती है। अगर वो नॉर्थ कोरिया की हुकूमत संभालती है तो वहाँ की जनता को शायद ही कोई बड़ा बदलाव देखने को मिले। टीम खबर अपडेट। नॉर्थ कोरिया के सुप्रीम लीडर किम जोंग इन दिनों सुर्खियों में हैं। किम जोंग का नाम लेते ही एक तानाशाही शासक की तस्वीर उभरने लगती है। वो तानाशाह शासक जिसके मन में जो आया उसने वो कर डाला। इस दौरान उसने ऐसे कई फैसले लिए जिसने पूरी दुनिया को हैरत में डाल दिया। आइए इस खास रिपोर्ट में आपको तानाशाह किम की सनक के ऐसे ही 5 क्रूर किस्से सुनाते हैं। किस्सा नंबर 1, फूफा बुआ को मरवा डाला। किम जोंग की पहचान निहायत ही सनकी किस्म के शासक की रही है। वो किसी का भी कद खुद से ज़्यादा बड़ा नहीं देखना चाहता। यही वजह रही कि जिस फूफा जेंग सेंग थाएक ने उसे राजनीति के गुर सिखाए, उसी फूफा को उसने साल 2013 में 120 शिकारी कुत्तों के सामने फेंकवा दिया जो उन्हें नोच नोच कर खा गए। इतना ही नहीं, जब उसकी बुआ ने अपने पति की मौत पर सवाल खड़े किए तो उसने उन्हें भी जहर देकर मरवा डाला। ये सनसनीखेज खुलासा साल 2015 में उत्तर कोरिया से भागे एक पूर्व सैन्य अधिकारी ने किया था। किस्सा नंबर 2, जबकि आई तो जनरल को मार डाला। किम जोंग की सनक का यह दूसरा किस्सा भी काफ़ी कुख्यात है। हुआ यूं कि एक बार किम अपने अधिकारियों के साथ मीटिंग कर रहा था। इस दौरान नॉर्थ कोरिया के डिफेंस चीफ होइंग योंग को झपकी आ गई। जब किम की नज़र उन पर पड़ी तो वो गुस्से से आग बबूला हो गया। उसने पहले तो भरी मीटिंग में जनरल को लताड़ लगाई, उसके बाद उसे मौत के घाट उतारने का फरमान सुना दिया। फिर देश के सभी बड़े अधिकारियों के सामने उस जनरल को एंटी एयरक्राफ्ट गन से गोली मरवा दी, ताकि फिर कभी कोई अधिकारी किसी सरकारी मीटिंग में झपकी लेने की हिमाकत ना कर सके। किस्सा नंबर 3, शक हुआ तो मछलियों के आगे परोस दिया। एक बार किम जोंग को लगा कि एक जनरल उसके खिलाफ कोई साजिश रचा है। बस इसी शक के चलते किम ने उसे अपने घर के पीछे बने तालाब में फेंकवा दिया, जिसके बाद उस तालाब में मौजूद नुकीले दांतों वाली मछलियों ने जनरल की बोटी बोटी नोच डाली और उसका अंत हो गया। किस्सा नंबर 4, लोग नहीं रोए तो मरवा दी गोली। किम की तानाशाही का यह किस्सा भी दुनिया भर में जाहिर है। हुआ यूं कि साल 2012 में किम जोंग के पिता की मौत हो गई। तब किम ने जनता को एक अनोखा फरमान सुना डाला। वो ये कि उसके पिता के जनाजे में मौजूद हर इंसान को रोना पड़ेगा और जो नहीं रोएगा उसे मौत के घाट उतार दिया जाएगा। तब राजधानी की सड़कों पर हजारों लोग निकले, लेकिन जिन लोगों के आंखों में आंसू नहीं आए किम ने उन्हें गोली मरवा दी। किस्सा नंबर 5, बातचीत फैल हुई तो 5 अधिकारियों को मार डाला। साल 2009 में नॉर्थ कोरिया और अमेरिका के बीच बातचीत शुरू हुई। तब ट्रंप और किम जोंग की खास मुलाकात हुई। किम जोंग इस मुलाकात से काफ़ी खुश था, लेकिन जब यह मुलाकात किसी नतीजे पर नहीं पहुंची तो किम गुस्से से लाल हो गया। उसने अमेरिका में अपने विशेष राजनयिक और नॉर्थ कोरिया के विदेश विभाग में काम करने वाले 4 अन्य लोगों को मार्च में मरवा डाला। यह तो कुछ भी नहीं, नॉर्थ कोरिया में किम की मर्जी के बिना कुछ भी नहीं होता। किसी को नॉर्थ कोरिया के बाहर जाने की इजाज़त भी नहीं है। आलम यह है कि लोग किस तरह के कपड़े पहनेंगे, घर से बाहर निकलेंगे तो कैसे रहेंगे, किस धर्म को मानेंगे, ये तमाम चीज़ें किम की मर्जी के बगैर संभव नहीं है। यह तो कुछ भी नहीं, नॉर्थ कोरिया में किम की मर्जी के बिना कुछ भी नहीं होता। किसी को नॉर्थ कोरिया के बाहर जाने की इजाज़त भी नहीं है। आलम यह है कि लोग किस तरह के कपड़े पहनेंगे, घर से बाहर निकलेंगे तो कैसे रहेंगे, किस धर्म को मानेंगे, ये तमाम चीज़ें किम की मर्जी के बगैर संभव नहीं है। टीम खबर अपडेट।